तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ स्पोर्ट्स कैफे बहुत सारा डिस्काउंट लेकर और एक सरप्राइज बेवरेज भी लेकर। यहाँ पर अलवर का सबसे बड़ा किड्स जोन है जिसमें 40 किड्स तक आराम से खेल सकते हैं। स्कूल पिकनिक मनाई जाती है इस किड्स जोन में और बर्थडे पार्टी के लिए जो बैंक्वेट हॉल है ना, मानो आपके बर्थडे में चार चांद लगा देगा। और किटीज पार्टीज के लिए तो ये जगह परफेक्ट है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए पूल टेबल सोसर बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स देती है। लेकिन साथ ही साथ इनका जो खाना है, जो मेन कोर्स है, जिसमें मैंने टेस्ट किया मलाई कोफ्ता, मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही गजब का मलाई कोफ्ता था। यहाँ की दाल देसी घी वाली, जिसके साथ हमने ऑनियन वाला लच्छा पराठा ट्राई किया। फिर उसके बाद कुछ कोल्ड ड्रिंक में भी तो होना चाहिए ना, तो हमने मंगा ली कोल्ड कॉफी। वो कोल्ड कॉफी इतनी थिक थी कि मतलब पाए से भी शक नहीं हो रही थी, यानी कि क्वालिटी है इस कोल्ड कॉफी। फैमिली डिनर तो हो गई, साथ में किड्स का मजा भी हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा और क्या बेवरेज मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि ये मलाई कोफ्ता इतना स्वादिष्ट आखिर कैसे बना, ये देसी घी की दाल कैसे बनी, ये ऑनियन वाला लच्छा पराठा कैसे बना। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से और इसके लोकेशन से। ये जो रेस्टोरेंट है ये पड़ता है सामने यस बैंक है, इधर भगत सिंह सर्किल है, ऊपर तक आपको दिख जाएगा ये बोर्ड हाईलाइट करते हुए, बगल में एवरग्रीन भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स कैफे का इंटीरियर कैसा है, क्योंकि वो इंटीरियर ये ना कमाल का है, इन्होंने अभी हाईलाइट किया है पूरा। भाई ये है इंटीरियर फर्स्ट इम्प्रेशन। और यहाँ पे जहाँ तक आप देखेंगे ये पूरा सिटिंग एरिया रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ पे ये स्पोर्ट्स लगाए हुए हैं, सोसर लगाए हुए हैंड सोशर, वहाँ पे पूल टेबल है, इनके चार्जेस हैं। और यहाँ पे मतलब बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, सेपरेट व्यवस्था है, ये ग्लास एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं प्रॉपर। ये अब है ना किड्स एरिया में चलते हैं जो कि नीचे की साइड बना हुआ है, बैंक्वेट और किड्स हाउस। चलिए आ जाइए, इधर से चलते हैं, लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। ये है वो किड्स हाउस और इसके प्राइसेस जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किड्स हाउस। ये बेसिकली मतलब अलवर का इतना बड़ा जो किड्स हाउस है वो पहला है। यहाँ पे स्कूल पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, बच्चे आते हैं स्कूल पिकनिक के लिए और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। जैसे ये बच्चे क्ले के साथ खेल रहे हैं और बना रहे हैं कुछ ना कुछ। और ये ट्रैम्पोलिन हो गया, जंप कर सकते हैं वहाँ पर, आप जंप कर सकते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चों के लिए, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट एरिया है ये। स्लाइडिंग एरिया हो गया, चढ़ना सीखते हैं बच्चे इस पे कैसे चढ़ना है। और ये बच्चे स्लाइड कर रहे हैं चढ़ के। और ये एक तरीके से भूल भुलैया है जिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ये बॉक्सिंग पंच हो गया, यहाँ से फिर वो स्लाइड करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे केयर टेकर हैं जो देखती रहती हैं बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ये हमेशा रहती हैं, जब जब बच्चा यहाँ रहेगा तब तक ये एक्टिविटीज़ में रहेंगी। भाई ये हैं वो एक्टिविटीज़ जो टोटली यहाँ पर होती हैं, 28 एक्टिविटीज़ हैं। ये किड जोन्स के प्राइस हैं जिसमें किड्स ज़्यादा होने पर भी आपको कंसेशन मिल जाएगा, जैसे लिख रहा है ना एडिशनल डिस्काउंट टू ग्रुप्स मोर देन 10 किड्स, तो उसमें भी मिल जाता है। और ये जो बाहर है वेटिंग एरिया है, अगर भीड़ अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं पेरेंट्स। और उसके बाद ये है इनका बैंक्वेट हॉल जिस पे 30+, जो अगर आप ज़्यादा हैं 30+ हैं तो आपको ये वाला शानदार बैंक्वेट हॉल दिया जाएगा जिसमें म्यूज़िक एसी वगैरह सब कुछ है। और इसके साथ साथ इनका एक और बैंक्वेट हॉल है जो 30 से लेस देन होने पर, अगर 30 से कम है तो ये एक सेपरेट एरिया है। और ये इनका छोटा सा बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे बर्थडेज पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं। और अगर आपको दोनों ही चाहिए तो ये पूरा सेपरेशन हट जाता है, तो यानी कि टोटल आप आराम से 60-70 लोग इसमें आराम से पार्टी कर सकते हैं इन दोनों को मिला के। ये है मलाई कोफ्ता। ये क्या डाला है आपने अभी? व्हाइट ग्रेवी और टमाटो ग्रेवी। मतलब किससे बनती है ग्रेवी? ये टमाटो काजू मगज। अच्छा, और ये पनीर क्या है आपने? हाँ ये पनीर ऐसे सॉफ्ट रखने के। अच्छा ओके। टाइम से काम कर रहे हो अभी? वो 15-20 साल हो गए। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बंगाल टाइगर हो आप। ये मावा डाला है आपने? ये डाला दूध। ये दूध डाला है आपने? ये है हमारा बटर, अमूल बटर। अमूल बटर ओके। नमक और चाट मसाला। ये क्या गिर रहा है? ये इलायची पाउडर। ओके, ये डाल दिया प्लेस अमूल की। तो चीनी भी गिरते हो हल्का सा? वाइट पेपर। सफेद मिर्च। क्या लहसुन वाली दाल फ्राई, और देखो शुद्ध देसी घी यूज़ कर रहे हैं। ओके, हरी मिर्ची, अदरक टुकड़ा कटी हुई, ये लहसुन। इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज, फिर इसको भून लेंगे पूरा हल्का।
ये डालेंगे टमाटर, टमाटर नमक हल्दी धनिया पाउडर हल्का सा मिर्ची और फिर कसूरी मिर्च आग निकल किसकी दाल होती भैया ये उड़द धुली उड़द की दाल है ये ओके उड़द धुली हुई उड़द धुली हुई उड़द गरम मसाला रेडी है दाल जी तो यहाँ पे बन रहा है ऑनियन लच्छा पराठा थोड़ा सा घी है ये घी तेल है ऑयल ओके के बाद ये है यहाँ पर स्टफ ऑनियन ये हल्की सी मैदा होती है ओके ओके तो ये जो लच्छा पराठा है थोड़ा ऑनियन वाला है हाँ ऑनियन वाला ओके हाँ दोस्तों अब मैं यहाँ का मलाई कोफ्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो मैं मलाई कोफ्ता ही ट्राई करने वाला हूँ इनकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्वीट मतलब मीठा है पर बढ़िया गजब तो पहली बार ये ऑनियन वाला लच्छा खा रहा हूँ अब दाल से खा के देखते हैं ये जो मैंने खाया है ना ये वो प्रोडक्ट है जो जनरली इनका स्विगी जोमेटो पर जाता है और मतलब लोग बाग ऑर्डर करते हैं यहाँ के मेन कोर्स है ये मैं बढ़िया वाला भाई ये कोल्ड कॉफ़ी भी मंगाई है विद आइसक्रीम मतलब ये इतनी थिक है कि इस स्ट्रॉ से ना खींच नहीं है दोस्तों आप मेरी वीडियो के थ्रू आओगे इतना टाइम दिया आपने मेरी वीडियो को तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए तो मैं भैया से अब थोड़ा सा जिद बहस कर लेता हूँ भैया ये बताओ अब मिलेगा क्या मतलब मेरी वीडियो के थ्रू आएगा तो कितने रुपये की पड़ेगा से भैया वैसे देखो हम 10% डिस्काउंट ओवर 1000 rupees की बिलिंग पे करते हैं वो भी किसी अप्रोच आती है तो लेकिन आपकी वीडियो के थ्रू कोई आता है तो 499 का प्लस जो भी बिल होगा उस पर 10% डिस्काउंट हम कर देंगे मतलब भैया कह रहे हैं कि 500 rupees का अगर बिल बैठता है तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 50 rupees पर भैया यार थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन नहीं आ रहा यार थोड़ा मतलब कुछ और होना चाहिए एक्स्ट्रा चलो आपको ये और कर देंगे एक ये 75 rupees का ग्लास है हम लोग कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है 499 की बिलिंग पे एक बेवरेज हो जाएगी और साथ में 10% डिस्काउंट तो आपको बस करना ये है कि मेरी वीडियो शेयर करके इनको दिखाना है और 10% डिस्काउंट और ये बेवरेज आपका